110 साल बाद आया ऐसा संयोग जब दो नवरात्रि होंगे एक साथ, ये काम करने से बरसेगी माता की कृपा। मां दुर्गा की पूजा का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व हुआ करता है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा कहा जाता है कि कभी भी नवरात्रि के समय में पूजा करने के दौरान किसी भी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पूजा करने के दौरान भक्त गलती करते हैं तो माता उनसे नाराज हो जाती है। माता के नाराज हो जाने के बाद उनके भक्तों को उनके जीवन में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए माता रानी को हमेशा खुश रखने के लिए लोग आज के समय में भजन कीर्तन, भंडारे और उपवास रखकर उन्हें खुश करने की कोशिश किया करते हैं। परंतु क्या आपको यह बात मालूम है कि इस साल नवरात्रि पर 110 साल बाद एक ऐसा संयोग बनने वाला है जिसमें कि अगर मां दुर्गा के भक्त सही समय में पूजन और कलश की स्थापना करते हैं तो माता रानी उनसे खुश होकर उनके जीवन में कृपा बरसानी शुरू कर देंगी। 110 साल बाद नवरात्रि पर बन रहा अद्भुत संयोग। धर्म के जानकारों और ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस बार की शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि 110 साल बाद एक बार फिर से नवरात्रि के मौके पर एक अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस अद्भुत संयोग की वजह से नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की कृपा हर एक राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगी। जानकारों के मुताबिक इस शारदीय नवरात्रि के मौके पर कलश स्थापना और पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:40 पर है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:36 से लेकर दोपहर के 12:24 तक होगा। समय के इस अंतराल में अगर कोई व्यक्ति कलश स्थापना या फिर मूर्ति को स्थापित करता है तो यह उसके लिए बेहद शुभ समय होगा। इस समय कलश स्थापना करने से लोगों के जीवन में हमेशा माता दुर्गा की कृपा बनी रहेगी। कलश स्थापना के बाद करें ये काम। ऐसा कहा जाता है कि माता की मूर्ति के सामने रेत पर जौ की खाद बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करना ही मां दुर्गा की सही रूप से पूजा हुआ करती है। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले उस स्थान को गंगाजल से धोकर शुद्ध कर लेना चाहिए। शुद्ध करने के बाद उसके ऊपर लाल रंग के कपड़े को बिछाकर कलश के चारों तरफ मौली बांधे। इसके बाद उसमें केसर, सिक्का और गेहूं के साथ साथ जौ के बीज को डालकर इसके बीचों बीच नारियल रख दें। इतना करने के बाद आपको प्रतिदिन सुबह और शाम के वक्त दीपक जलाकर माता दुर्गा की पूजा करना चाहिए। पूजा करने के दौरान आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि पूजा स्थल के आसपास चमड़े से बनी कोई भी वस्तु मौजूद न हो। इसके साथ ही साथ कलश को कभी भी अकेला घर में न छोड़ें।